आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक कथा लेकर आई हूँ। वो कथा है तुलसा माता की, बहुत ही प्यारी कथा है। तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे, उनके कोई संतान नहीं था। ब्राह्मण सुबह रोजीना नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता। एक दिन ब्राह्मण नदी पर गया, स्नान ध्यान की, फिर जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊंगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर से चला और आवाज आई, उसने कहा कोई दिखता नहीं है और बोला कि तुम प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में 5 वर्ष की कन्या आई और बोली बाबा मैं आपके घर आऊंगी। उसने उसकी उंगली पकड़ डाली और उसको घर लाया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली यह कन्या किसकी है? वे बोली माँ मैं तेरी हूँ। उसने ब्राह्मण से पूछा क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात कह दी। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वे दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले इसका नाम क्या रखें? ब्राह्मण बोला इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता बहुत प्यार करते थे। वे बड़ी हुई और शादी के योग्य हुई। माता पिता चिंता करने लगे तो तुलसी बोली मेरी चिंता मत करना, मुझे तो सिवाय भगवान श्री कृष्ण जी आएंगे, लेने आएंगे। तुम तैयारियां करो, शादी का मुहूर्त निकाला, कार्तिक सुदी एकादशी के दिन तुलसी की सालग्राम के साथ शादी हुई और तुलसी जाने लगी। उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तुलसी ने कहा माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप घर में तुलसी लगाना, उससे मन की शांति होती है, घर की शुद्धि होती है। आंगन की तुलसी को आप सदा रखना, उनकी पूजा अर्चना करना। बोलो जय माता तुलसी की। बोलो तुलसा माता की जय।